कैसे हैं आप सब लोग अब फेस्टिवल सीजन आने वाला है अब फेस्टिवल सीजन में हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और हम चाहते हैं कि हम बहुत ही अच्छे दिखे तौर पे लड़कियां जो है उनको बहुत ही ज़्यादा ये रहता है कि फेस्टिवल वाले दिन या कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो उस समय वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखने चाहिए उनकी स्किन जो है वो ग्लोइंग होनी चाहिए और उनकी फ़ोटोज़ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए तो हम बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो पार्लर्स में खर्चा करते हैं और इधर उधर जाके खर्चा करते हैं तो वैसे ही आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जिससे कि आप घर बैठे बैठे अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं इस फेस्टिवल सीजन में दैट इज मैं आज आपको एक फेस पैक के बारे में बताने वाली हूँ कि वो फेस पैक अगर आप घर में यूज करेंगे तो आप एक नेचुरली ग्लोइंग स्किन जो है वो घर में पा सकते हैं पोमोग्रेनेट पपाया विटामिन ई फेस पैक ये फेस पैक में पोमोग्रेनेट है पपाया है प्लस विटामिन ई है जो वीट से एक्सट्रैक्ट किया गया है प्लस इसके अंदर में रोज ऑयल है सी सीवक्तन की लीव का ऑयल है हनी है और एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है ताकि हमारे स्किन को कंप्लीट प्रोटेक्शन जो है वो मिल सके अब बाकी चीज़ों के तो बेनिफिट्स मैंने पहले बताया है लेकिन मैं आज आपको पोमोग्रानाइट और पपाया के बेनिफिट बताती हूँ पोमोग्रैनेइट के अंदर में विटामिन सी होता है जो रिच है एंटी में पोमोग्रानाइट के अंदर में बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है और उसके अंदर में ये सेकेंड ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर में सबसे ज़्यादा एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे स्किन में से बैक्टीरिया और फंगस को रिमूव करने के लिए मदद करते हैं प्लस हमारे स्किन में जो एक हो जाते हैं बैक्टीरिया के वजह से या पिंपल्स हो जाते हैं बैक्टीरिया के वजह से या फंगस के वजह से तो उसको रिमूव करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है प्लस पपाया पपाया के अंदर विटामिन ए होता है और उसके अंदर में एंजाइम होता है पैपिन जो हमारी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बहुत सारे लोग रिकमेंड भी करते हैं कि हमें पपाया का फेस मास्क जो है वो लगाना चाहिए वो इसीलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि पपाया के अंदर में विटामिन ए होता है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए मदद करता है और इस फेस पैक के अंदर में पोमोग्रेट पपाया विटामिन ई रोज़ ऑयल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और साथ ही साथ सिबकथॉन लीव भी है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताने कैसे है। है। करना है मैंने इस छोटी सी कटोरी के अंदर में ये फेस पैक जो है वो ले लिया है अब इसे हम पूरी स्किन के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं बस फेस पैक लगाने से पहले आप ये इंश्योर करें कि आपके चेहरे के ऊपर कोई भी क्रीम जो है वो ना लगे आप पहले अच्छे से फेस को वॉश कर लें और उसके बाद ही फेस पैक को अप्लाई करें ताकि कोई भी क्रीम वगैरह जो है वो हमारे स्किन के पोर्स में नहीं होने चाहिए ठीक है फेस पैक लगाने के बाद आपको अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है हल्की सी तो वो आपको थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन दे सकती है मतलब आपको थोड़ी जलन जैसा फील हो सकता है तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसे रोज़ वाटर में मिला के अपने फेस पे अप्लाई करें और थोड़ी देर के लिए इसे सूखने दे और थोड़ी सी थिक लेयर जो है वो अपने फेस पे लगा के थोड़ी देर तक के सूखने के लिए दें और उसके बाद इसे जेंटली वॉश कर दें फेस पैक ड्राई होने के बाद आप उसे जेंटली वॉश कर लें और वॉश करने के बाद आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि दो एक या दो दिन तक के आपको फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है जैसे कि क्रीम हो गया या सोप हो गया ये सब आपको एक या दो दिन तक के नहीं अप्लाई करना जब आप फेस पे लगाते हैं उसके बाद आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करना ना भूले